एक बार फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जो एम्ब्रायो सैक है या जो फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को मैं समअप कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आप सारी बातों को एक साथ रिलेट कर सके। जैसे कि अगर मैं एक पिस्टल या कॉर्पल का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक कॉर्पल या एक पिस्टल है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर देयर इज अ कैविटी प्रेजेंट इन साइड द ओवरी, और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरियन लॉक्यूल। और यहां पे इस कैविटी के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से अब आप समझ चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल। इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर यहां पे न्यूसिलर सेल्स होंगी, और जो अभी मैंने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था तो यहां पे न्यूसिलर सेल के बीच में यहां पे आर्किस्पोरियल सेल थी। आर्किस्पोरियल सेल जो है ये कन्वर्ट हुई किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में। मेगा स्पोर मदर सेल से 1 2 3 4 मेगा स्पोर्स बने। इस साइड से माइक्रोपाइलर इनके साइड से 3 डी सेपरेट हो गए, और ये सिंगल फंक्शन मेगा स्पोर अब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है एक फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक में। इस एम्ब्रायो सैक को मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि ये इसमें बाहर की तरफ यहाँ पे एक बड़ी सी इस तरीके की सेल होगी, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल। और यहाँ पे पेरी फेरी पे प्रोजेक्ट होगा सेल का साइटोप्लाज्म। ये इस स्ट्रक्चर में बाहर निकाल के बता रहा हूं, तो इस एंड को मैं क्या बोलूंगा, चलाजल एंड और चलाजल पोल, और इस पोल को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइल एंड। चलाजल पोल पे या चलाजल एंड पे यहां पे 3 सेल्स प्रेजेंट होंगी, 1 2 और ये 3, और इन तीनों सेल्स को क्या बोलेंगे, एंटी एंटी पोडल सेल्स। कितनी होंगी, 3। और यहां पे माइक्रोपाइलर एंड पे 1 2 इसके ये न्यूक्लियस, ये दोनों सेल्स जो है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनर्जिड्स या साइनर्जिड सेल्स। कितनी होंगी, 2 इन नंबर। और यहां पे साइनर्जिड सेल में एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होगी यहां पे, और इस थिकनिंग को जो प्रेजेंट है एट माइक्रोपाइलर पोल, इसको हम लोग माइक्रोपाइलर टिप, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और यहां पे दोनों साइनर्जिड्स के बीच में दुल्हन बैठी है, इस दुल्हन का नाम क्या है, एग शेल या एग, पूरा ही लिख देते हैं एग शेल बोलेंगे इसको। कितना होगा, एक सिंगल। और इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूटिवली हम लोग क्या बोल रहे हैं, एग अपैरेटस। एंड जस्ट बिलो द एग अपैरेटस देयर आर 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल सेल। तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलर और पोलार न्यूक्लियाई। और ये जो सेल है जिसके अंदर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने पढ़ा, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल सेंट्रल सेल। इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल सेल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी आपके सामने दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं कंप्लीट और फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, कंप्लीट और फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एम्ब्रायो सैक। इसको मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक। अब मैं आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इतना स्ट्रक्चर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग जस्ट अगले लास्ट वीडियो में कि कैसे ये डेवलप होता है। अब मैं आपको इस
स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में जो फुली डेवलप्ड या मैच्योर एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेल्स कैसा होता है। द मीन इज दैट मैं सिंपली अगर आपसे बोलूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये है फुली डेवलप्ड या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, कितने सेल्स है कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो एक कंप्लीट फुली डेवलप्ड मैं इन सारी लेबलिंग को हटा रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को देखूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंप्लीटली या फुली डेवलप्ड क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक है। ये पूछा जा रहा है कि इस फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक में कितनी सेल्स या कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग काउंट करने वाले हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो पहले न्यूक्लियाई काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8। और अगर सेल्स का नंबर काउंट करें, फिर एक बार न्यूक्लियाई में काउंट करके बता दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहां पे मैंने लिखा। नंबर ऑफ सेल्स अगर आप काउंट करें तो 1, 2 ये ब्लू कलर वाली साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड्स, ये ब्लैक कलर वाली दुल्हन जिसको हमने बोला था, एक शेल या फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट या मेगा गैमेट। तो 2 साइनर्जिड्स, 1 फीमेल गैमेट या मेगा गैमेट या एक शेल। तो 2+1, 3 और 1, 2, 3 एंटीपोडल्स, 3+3, 6 और ये सारी चीजें जिस सेल में प्रेजेंट है, ये बड़ी वाली सेल, इसको हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल सेल। तो ये हो गई 1, 2 साइनर्जिड्स, नंबर कितना हो गया इनका, 2। और ये हो गई एग शेल कितनी, 1। और ये हो गई एंटीपोडल सेल्स कितनी, 2। और ये हो गई, ये हो गया ये बड़ी वाली ब्लू कलर वाली सेल जो है, इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल, नंबर कितना हो गया, 1। तो 2+1, 3 ये कितनी है, 3 एंटीपोडल्स, 2+1, 3, 3+3, 6 एंड 6+1 वुड बी 7, कितना हो जाएगा, 7। तो इस पूरे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़ी वाली सेल 7 सेल। तो मैं एक फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फुली डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बोलूंगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, इसको मैं बोलूंगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अभी बहुत बार पूछा भी जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली डेवलप्ड या फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज वुड बी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट इज एम्ब्रायो सैक। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आए तो बात करेंगे पोलॉइडी की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बीच में ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल थी जो न्यूसिलर सेल से डिडिफ्रेंशिएट हुई थी और न्यूसिलर सेल डिप्लॉयड थी। तो आर्किस्पोरियल सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। स्पोरोजिनस सेल में बनी वो भी कैसी थी, डिप्लॉयड, क्योंकि कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ ऑलमोस्ट। फिर जब डिवाइड की यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल जब डिवाइड की तो यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी, माइटोसिस हुआ, फिर भी ये क्या रहेंगी, डिप्लॉयड रहेंगी। फिर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो स्पोरोजिनस सेल और फाइनली वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हुई है, तो मतलब अभी पोलॉइडी एक मेगा स्पोर मदर सेल की क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। और मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो गई एक बार, तो जो डॉटर सेल्स हैं इनकी पोलॉइडी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉट एवर वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे इन अ सिंगल सेट,
यानी अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर होंगे एक सिंगल सेट में सारे के सारे क्रोमोसोम्स अगर अरेंज होते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल। पोलॉयडी ऑफ द सेल जनरली रिप्रेजेंट्स सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक सिंगल सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जितने मर्जी हो क्रोमोसोम हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक सिंगल सेट में प्रेजेंट हो तो हैप्लॉयड, दो सेट में प्रेजेंट हो तो डिप्लॉयड, तीन सेट से प्रेजेंट हो तो ट्रिप्लॉयड, सो एंड सो फोर्थ। जितने सेट में क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे वो उसकी पोलॉयडी होगी। सो द पोलॉयडी ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, तो जितनी भी सॉरी मेगास्पोर मदर सेल जो होंगी वो डिप्लॉयड होगी, और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो जो मेगास्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड हो जाएंगे। और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से ही तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अभी उसमें माइटोसिस हो रही थी लेकिन कहीं फ्यूजन नहीं हुआ। अगर मियोसिस हो गई है कहीं पे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, वापस से वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर किए जाएंगे ओनली विद द प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करता है मियोसिस और वापस से रिस्टोर करता है फर्टिलाइजेशन। तो अभी कहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है मियोसिस के बाद, तो चाहे जितनी मर्जी बार क्या हो माइटोसिस हो, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस से रिस्टोर नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि क्या ना हो, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर ये मेगा स्पोर, अगर इसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये था हैप्लॉयड और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट या फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर ये हैप्लॉयड है, कहीं फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये हैप्लॉयड होगा, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट जो है, या फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट जो है, इसको मैं हैप्लॉयड बोलूंगा। तो पोलॉयडी क्या हो जाएगी इसकी, हैप्लॉयड। पोलॉयडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड। तो पोलॉयडी में सबकी आपको बता देता हूं एक एक करके। एंटीपोडल सेल की पोलॉयडी भी क्या होगी, हैप्लॉयड होगी। साइनर्जिड्स की पोलॉयडी भी क्या होगी, हैप्लॉयड। एग शेल, इसको हम फीमेल गैमेट बोल ही रहे हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। और इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने न्यूक्लियाई है सबकी पोलॉरिटी क्या है, हैप्लॉयड। तो ये भी एन होगा, ये भी, हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी यहाँ पे लूज नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे एन और दूसरे न्यूक्लियस के लिए भी एन लिखूंगा, इसको मैं बराबर करके 2n नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है दोनों वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी यहाँ पे अभी लूज नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे फ्यूजन या कह सकते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ जेनेटिक कॉन्टेंट या मटेरियल नहीं हो रहा है। इस वजह से एन प्लस एन, 2n कभी मत लिख देना, तुरंत गलत हो जाएगा ये, एन प्लस एन बोलेंगे इसको, ना कि 2n बोलेंगे। The most important, the second most we can say, or the most important question is particular structure से related ये हो गया कि जो पोलॉयडी है किसकी, पोलार न्यूक्लियाई की, वो n plus n 2n ना हो करके इसको हम क्या बोलेंगे, n plus n बोलेंगे, यानी अभी भी जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं, ये कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। तो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इन फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉयड है। सो दैट वी कैन से ये जो एम्ब्रायोस है क्या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डेवलप हुआ है एक मेगा स्पोर से जो कि कैसा है, हैप्लॉयड है, क्योंकि ये प्रोड्यूस हुआ है थ्रू द मियोसिस, थ्रू द मियोसिस। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मैंने आपको जब बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेटोफाइट दैट इज फॉलन ग्रेन के लिए, तो वहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, हैप्लॉयड आपको याद रखना है। आपसे अगर इस एम्ब्रायोसाइट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी पर्टिकुलर सेल या न्यूक्लियस के पोलॉयडी पूछी जाए, आंख बंद करके आप बोलेंगे हैप्लॉयड, आंख बंद करके आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड, क्योंकि ये मेगा स्पोर से डेवलप हुआ है जो कि क्या है, हैप्लॉयड है। तो कुछ भी इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जाए पोलॉयडी के टर्म में, डेफिनेटली वो हैप्लॉयड होगा, आंख बंद करके आपको आंसर या रिस्पॉन्स करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने आपको बताया था
कि पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आप की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो और अच्छे तरीके से हो सके। तो हमने बोला कि फीमेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन की जब हमने बात की थी तो मैंने आपसे बताया था कि एक बहुत स्पेशल कमरा है, ये रूम है, ये हम कह सकते हैं इस कमरे का ये क्या हो गया, कर्टेन या पर्दा। और इस पर्दे को हम लोग क्या बोलते थे, एंटाइन, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड जस्ट आउटसाइड द एंटाइन, ये हो गई आपके कमरे की वॉल जो कि हार्ड कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट की बनी हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्साइन। हियर इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलाइन, द मोस्ट बायोरेजिस्टेंट और इनर्ट केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एवर फाउंड, अभी तक का जो मोस्ट इनर्ट बायो कंपाउंड है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्पोरोपोलाइन है, यानी कि स्पोरोपोलाइन की बनी हुई एक्साइन को पेनिट्रेट करके कोई भी चीज अंदर कभी नहीं आ सकती है। इस वजह से यहाँ पे हमने कुछ एंट्री पॉइंट छोड़ दिए थे, जैसे आपके कमरे के लिए एंट्री पॉइंट छोड़ा गया होता है। और यहाँ पे ये जो एंट्री पॉइंट है आपके कमरे में, ये तो दीवार का जो पॉइंट होगा जहाँ पे आपने डोर लगवाने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पे जो ये एंट्री पॉइंट है, इन एंट्री पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मपोर। और जैसे आपके कमरे में यहाँ पे, इस कमरे में यहाँ पे आपके जैसे इस तरीके से डोर लगा या दरवाजा लगा होगा यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसके स्पेशल कमरे में भी यहाँ पे डोर लगा होगा, दरवाजा लगा होगा ये। और ये किसका दरवाजा होता है, किस केमिकल का, कैलोस केमिकल या कार्बोहाइड्रेट का। और इसके अंदर यहाँ पे कमरे के अंदर कौन सा वीआईपी पर्सन बैठा हुआ है जिसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कमरा है, इसके कमरे की दीवार एक्साइन बोली जा रही है और स्पोरोप्लेनिन की बनी हुई है, और एंट्री पॉइंट जहाँ पे दरवाजा लगाने के लिए छोड़ा गया है उसको जर्मपोर बोला जा रहा है, और इस दरवाजा की बात अगर हम करें तो इसका बना हुआ है कैलोस कार्बोहाइड्रेट का, और इस कमरे का जो कर्टेन या जो पर्दा है उसको एंटाइन बोल रहे हैं जो कि सेलुलोज और पैक्टिन का बना है, यानी कि ये स्पेशल रूम है, स्पेशल रूम है, यानी किसी वीआईपी का रूम होगा। और वो वीआईपी इसके अंदर बैठा होगा यहाँ पे, एक तो ये हो गया और एक वीआईपी ये हो गया। इसको क्या बोलते थे, वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोलते थे, जनरेटिव सेल। तो एक सेल ये, एक सेल ये, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। तो अगर हम इसको पूरा एक सेल मान रहे हैं तो इसके अंदर दो सेल हैं, या फिर एक बहुत अच्छे टेक्निकल टर्म में अगर हम जाएं तो ये वाली जो जनरेटिव सेल है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में ये फ्लोट करती रहती है। मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलर जनरेटिव सेल है ये कंपैरेटिवली बिगर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली फ्लोट करती रहती है। तो इस वजह से हमने आपको बताया था कि ये जो पॉलन ग्रेन है या जो ये मेल गैमेटोफाइट है ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट किया जाएगा एज सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर, बिकॉज जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर, सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को अगर हम देखें तो ये बड़ी वाली सेल, यानी कि इस ब्लू कलर वाली सेल की अगर मैं बात करूं, ये वाली सेल, ये हो गई सेंट्रल सेल, ब्लू कलर वाली ये जो सेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस ब्लू कलर वाली सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल सेल, तो बड़ी वाली सेंट्रल सेल के अंदर तीन एंटीपोडल सेल, दो साइनर्जिड सेल, एक एग सेल। तो सेल के अंदर कई सारी सेल है, तो मैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को भी बोलूंगा सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन और पॉलन ग्रेन एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसाइट सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे राइट डाउन किया है। एक तो सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर होगा, सारा पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैप्लॉयड होगा, और ये 7-celled 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस साइनर्जिड सेल के बारे में। ये जो सेल है जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, साइनर्जिड्स बोल रहा हूँ, 1-2 ये साइनर्जिड सेल। तो अगर मैं इस साइनर्जिड सेल को थोड़ा सा बाहर निकालूं, तो ये साइनर्जिड सेल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है ऐसे, और यहां पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरफ ये एक डिप्रेशन वाला सरफेस बन रहा है इस तरीके से। तो ये वाली सेल मैंने निकाला है यहां पे बाहर, और अगर इस सेल को देखोगे आप तो यहां पे इस साइड ये कर्व बना होगा। ये इसलिए क्योंकि ये दोनों तरफ से अगर आप यहां पे देखें इस तरीके से, तो एक सेल ये है इधर साइनर्जिड सेल, एक सेल इधर है साइनर्जिड सेल, ये बीच में एक सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। इस वजह से ये सरफेस थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना होकर के ये इस तरीके से कर्व है, यहाँ पे साइनर्जिड जो है इस तरीके से ना होकर के थोड़ा सा कर्व है, दोनों इस तरीके से सेल है कि यहाँ पे बीच में एक सेल को, इस दुल्हन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक बात ये समझ में आ गया आपको। इस सेल की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये पोल हो जाएगा चलाजल पोल और चलाजल एंड, और ये वाला हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बायोलॉजी में कहीं पे बनेंगे तो इनका एक इकलौता फंक्शन होगा इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ये। तो जो साइनर्जिड सेल्स हैं पहली बात तो कर्व्ड होंगी, दूसरी चीज है माइक्रोपाइलर एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होंगे इन पे, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं एट माइक्रोपाइलर पोल और टिप, ये सरफेस एरिया को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे ये है तो ये पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से फिंगर्स निकल आ जाए तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर कहीं पे भी अगर सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है तो समझ लीजिए तुरंत कि या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या तो कोई चीज सिक्रीट करी जा रही होगी, क्योंकि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही सरफेस फिनोमेना है, दोनों ही सरफेस फिनोमेना है। तो सरफेस एरिया हम बढ़ा इसलिए रहे हैं कि जो सरफेस से रिलेटेड फिनोमेना है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हो सके। तो मेरे कहने का मतलब, अगर एब्जॉर्प्शन होना है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से तो सरफेस एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, अगर उससे कोई चीज सिक्रीट की जा रही है तब भी सरफेस एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया नेचर बढ़ा इसलिए रहा होगा, या तो एब्जॉर्प्शन होना होगा या तो सिक्रीशन होना होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सेल से कुछ ना कुछ क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीट होता है। अब भले ही कुछ भी सिक्रीट हो, बाद में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका, ये कोई ना कोई क्या होगा, एक केमिकल ही तो होगा, क्योंकि पूरी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल की ही बनी हुई है। तो केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे, और ये जो केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करने का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होगा थैलेमस ऑफ द फ्लावर, और इस थैलेमस के टॉप मोस्ट नोड पे तो ये पिस्टिल है, एंड थर्ड नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये बाइलोब स्ट्रक्चर अलोंग विद द वर्सेटाइल फिलामेंट, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टैमेन, और ये जो फर्टाइल पार्ट है इसको बोलेंगे एंथर। और अभी तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि इसके अंदर बन रहे होंगे मेल गैमेटोफाइट और पॉलन, और जब एंथर का डेसेंस होगा तो ये पॉलन ग्रेन किसी न किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आकर के लैंड करेंगे, एंड स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगी। यानी ऑल ओवर हमको ये समझना है कि मान लीजिए ये एक पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे ये शेडिंग हो रही है पॉलन ग्रेन की, 60% में 2 cell स्टेज में होगी, और अगर हम 40% की बात करें तो शेडिंग होगी 3 cell स्टेज में, लेकिन पॉलिनेशन के बाद जस्ट यहाँ पे अगर 2 cell स्टेज में भी शेडिंग हुई है तो कुछ देर के बाद यहाँ पे 2 male gametes बन जाएंगे। बाद में हम पॉलिनेशन में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।
तो अगर ये सेम स्पीसीज का है तभी ये काम होगा, यानी ये पॉलन ग्रेन तभी एक्सेप्ट किया जाएगा थ्रू द पिस्टिल जब ये सेम स्पीसीज का होगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये सेम स्पीसीज का है तो इन दोनों मेल गैमेट्स को यहां तक पहुंचना है, क्योंकि इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, दैट इज एक्सेल। अब आपको समझ में आ गया होगा किस एक्सेल की मैं बात कर रहा हूं। ये पूरा रेड वाला स्ट्रक्चर हो गया ये एम्ब्रायो सैक, और इस एम्ब्रायो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, एंड विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट देयर विल बी योर फीमेल गैमेट, एक्सेल यहां पे प्रेजेंट होगा। तो एक सेल के पास पहुंचना होगा इन दोनों मेल गैमेट्स को टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, जिससे कि जायगोट बन सके। तो ये दोनों मेल गैमेट, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं इट सेल्फ, ये मूव करके कहीं नहीं जा सकते। तो इस मेल गैमेट को आना तो है ही यहाँ पे, तो अपने आप नहीं आ सकते। तो इस वजह से नेचर ने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर में यहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये एक ट्यूब बनाया नेचर ने, और इस ट्यूब के थ्रू इस मेल गैमेट को भेजा यहां पे। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ रही होगी कि ये ट्यूब जो है इधर ही क्यों मूव कर रही है, इसको कैसे पता कि ये फीमेल गैमेट यहां पे बैठी हुई है। फिर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, अभी मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ इन सारी चीजों को ताकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जब पढ़ें तो बहुत तेजी से हम लोग आगे निकल जाएं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मेल गैमेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये नॉन मोटाइल है, अपने आप यहाँ फीमेल गैमेट के पास नहीं आ सकता, जैसे कि ह्यूमन केस में अपने आप आ जाता है। तो नेचर ने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक रास्ता चुना, यहाँ पे एक व्यवस्था करी कि एक ट्यूब बना दो और उस ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट चला जाएगा। फिर वही बात आती है कि है तो ये नॉन मोटाइल तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर आ भी जाता है तो इस ट्यूब को कैसे पता है कि तुम्हें इधर ही जाना है, यहाँ फीमेल गैमेट बैठी हुई है, ये कमरा है दुल्हन का और दुल्हन यहाँ बैठी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई शादी अगर आप अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि जो दुल्हन होती है उसकी दो सहेलियां अच्छी वाली पक्का होंगी, एक इधर एक इधर। वो दुल्हन जहां भी जाएगी या जहां भी जरूरत होगी दुल्हन को ले जाने के लिए कमरे पे या स्टेज पे, तो दोनों सहेलियां उनके दोनों हाथ पकड़े रहेंगे बगल से। एक तो दोनों उनको प्रोटेक्शन भी कर रही हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं, दूसरा इनको गाइड भी कर रही हैं, इनको गाइड भी कर रही हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इनको ले जाना है। इसी तरीके से दूल्हे के साथ भी होगा। तो यहाँ पे वही स्थिति है, दूल्हे दुल्हन वाली, दुल्हन तो ये हो गई, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा पॉलिन ग्रेन के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे ये हुआ पॉलिन ग्रेन जो यहाँ से आया है, इस पॉलिन ग्रेन के अंदर ये दो दूल्हे बैठे हैं। थोड़ा सा अजीब सी शादी हो जाएगी ये, दुल्हन एक और दूल्हे दो हैं। तो ये पॉलिन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर ये दो दूल्हे हैं, इन दूल्हों को कहाँ जाना है उसको भी तो गाइड करने के लिए कोई ना कोई फ्रेंड रिक्वायर्ड होगा। तो इस दूल्हे का फ्रेंड यहाँ पे होगा, आपको अगर याद आ रहा हो ट्यूब सेल का ट्यूब न्यूक्लियस, इसको पता है कहाँ जाना है। दूल्हा तो पहली बार आ रहा है इस दुल्हन के घर पे, दूल्हा तो इस दुल्हन के घर पे पहली बार आ रहा है, हो सकता है इस दूल्हे का दोस्त जो है वो ऑलरेडी एक बार विजिट कर चुका होगा। और ऐसा होता भी है जनरली कि दूल्हा भले ही पहली बार जाएगा जिस दिन बारात जाएगी, लेकिन दूल्हे का जो दोस्त होगा या फ्रेंड होगा ऑलरेडी एक बार विजिट कर आया होगा वहां पे। अब इसको अदरवाइज आप ना लीजिएगा क्यों विजिट कर रहा है, लेकिन कम से कम एक बार तो गया होगा। अब ये दूल्हे को गाइड करेगा कि भैया तुम्हें किस रास्ते से कहां तक जाना है। तो ये रेड वाला जो घर है ये दुल्हन का घर हो गया, दुल्हन ये बैठी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सेल, और ये ब्लैक कलर वाला घर हो गया दूल्हे का, और ये दो दूल्हे बैठे हुए हैं। तो घर दुल्हन वाला घर एम्ब्रायो सैक, दूल्हे वाला घर पॉलन ग्रेन, दुल्हन को एक्सेल और दूल्हे को क्या बोल रहे हैं मेल गैमेट। दूल्हे को गाइड करेगा किधर जाना है ये दूल्हे का फ्रेंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और दुल्हन को कौन गाइड करेगा, दुल्हन को कौन गाइड करेगा, दुल्हन की दो फ्रेंड्स दो सहेलियां। तो ये जो साइनेटिड्स होती हैं, साइनेटिड्स के अंदर जो ये स्पेशल थिकनिंग है, द स्पेशल थिकनिंग्स विच आर प्रेजेंट, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग विच आर प्रेजेंट ऑन साइनेटिड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इन साइनेटिड्स। तो एक्चुअली ये जो पॉलन ट्यूब है इसको किधर मूव करना है वो
ये ट्यूब न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, और ट्यूब न्यूक्लियस एक केमिकल के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, और वो केमिकल कौन रिलीज करेगी? साइनर्जिड। दुल्हन की सहेली जो है वो केमिकल रिलीज कर रही है साइनर्जिड, और दूल्हे का जो फ्रेंड है, दुल्हन की फ्रेंड साइनर्जिड, वो एक केमिकल रिलीज कर रही है, और दूल्हे का फ्रेंड ट्यूब न्यूक्लियस उस केमिकल को सेंस कर रहा है। फिर समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। दो दूल्हे, दूल्हे का दोस्त ट्यूब न्यूक्लियस, घर क्या है इसका? पॉलन ग्रेन। एक दुल्हन, एग शेल, और दुल्हन की दो फ्रेंड सहेलियां साइनर्जिड्स, इसका घर क्या है? मेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट। अब दूल्हे को कहां मूव करना है, कौन डिसाइड करेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। और ट्यूब न्यूक्लियस उधर ही जाएगा, यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस किधर मूव करेगा, वो डिसाइड करेगी साइनर्जिड्स, दुल्हन की सहेलियां। तो दुल्हन की सहेलियां साइनर्जिड्स जो है वो केमिकल रिलीज करेंगी, और दूल्हे का जो दोस्त है ट्यूब न्यूक्लियस उस केमिकल को सेंस करेगा, और उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में उसी साइड मूव करेगा, तो पोलन ट्यूब उधर ही मूव करेगी। यानी कि समझ लीजिए कि ये पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे है, तो ट्यूब न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के टिप पे होगा, और यहाँ से साइनर्जिड्स जो है ये लगातार केमिकल्स रिलीज करती रहेंगी, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिलीज होता रहेगा, और इस केमिकल को सेंस करेगा ये न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, और उसी साइड इस ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी, यानी कि फाइनली ट्यूब यहाँ पे एंटर करेगी, और उस टाइम पे ये साइनर्जिड्स क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं। क्योंकि अगर बारात आ गई है, दूल्हा पहुंच गया है दुल्हन के घर, तो दुल्हन की सहेलियों का काम फिर खत्म हो जाता है, और दूल्हे के दोस्त का भी काम खत्म हो जाता है। तो बारात जैसे ही घर पे आ जाएगी दुल्हन के, तो दुल्हन की सहेलियां जो थी साइनर्जिड्स, वो डीजनरेट हो जाएंगी, एंड सिमिलरली दूल्हे का दोस्त जो था ट्यूब न्यूक्लियस, वो भी डिजनरेट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में ये डिजनरेट होकर के कन्वर्ट हो जाता है, मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए। तो कम से कम अभी आपको ये पता है कि बारात आ जाने के बाद घर पे दूल्हे का दोस्त, दुल्हन की दोस्त साइड में, अब दूल्हे और दुल्हन आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि एक एग शेल और इसके अंदर एक जो है मेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज करके जायगोट बना लेंगे। तो ये तो हमारा बाद का डिस्कशन है, लेकिन अभी हमको समझना ये है कि ये जो साइनर्जिड्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड वाले सरफेस के साइड से ये केमिकल रिलीज करेंगी, और ये केमिकल गाइड करेगा पोलन ट्यूब के ग्रोथ या जर्मिनेशन के लिए, और इस केमिकल को सेंस करेगा ट्यूब न्यूक्लियस। तो साइनर्जिड का एक फंक्शन तो ये होगा कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, दूसरा फंक्शन ये होगा कि इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगी ये एग शेल को। तो साइनर्जिड सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एग शेल को, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एग शेल को, और दूसरी चीज ये केमिकल रिलीज करती हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी हमको समझनी है कि द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सेल ऑन द साइनर्जिड्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। ये भी क्या कर रही हैं? पोलन ट्यूब के गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो मैं साइनर्जिड्स के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। साइनर्जिड्स जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एक सेल को, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी एग शेल के लिए, और दूसरी चीज ये केमिकल सिक्रीट कर रही है पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, और ये डीजनरेट हो जाएगी आफ्टर द अराइवल ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे ही यहां पे पोलन ट्यूब आएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल सिग्नल के लिए एक डीजनरेट हो जाएगी, पोलन ट्यूब उधर एंटर करेगा, और उसके इन्फ्लुएंस में दूसरी डीजनरेट हो जाएगी जो कि इस पोलन ट्यूब की टिप को डीजनरेट कर देगी, और दोनों मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल में। एक इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एक इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इसके साथ फ्यूज करके ये जायगोट बना लेगा, और इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। इन सारी बातों को हम लोग आफ्टर पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत क्लियर वे में और बहुत आसान तरीके से बताया पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको एक साथ एक ही टाइम में दोनों को रिवाइज करना है और दोनों को रिलेट करना है। बिलीव मी, अगर आपको बहुत बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हो गए हों तो दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियोस फिर से देखिए, और बहुत अच्छी तरीके से उनको कंपेयर करिए, रिलेट करिए,
एंड बिलीव मी, आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको शायद दोनों को अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, टर्म्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस हमको एंड्रो, गाइनो, माइक्रो, मेगा, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या करना है, रिलेट करके अलग से मेमोराइज करना है। लेकिन आप अगर एक को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो दूसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आप सीख गए हैं तो याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कहानी बना करके मैंने आपको बताया कि कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है, तो ये कहानी भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो बारात आ चुकी है, बारात आने के बाद की कहानी जो है, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, इसको फिर से एक बार डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे आफ्टर पॉलिनेशन।